मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी विल लर्न सब्जेक्ट इंग्लिश फ्रॉम स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश मीडियम। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने द गिविंग ट्री की जो स्टोरी थी उसके क्वेश्चन आंसर हमने देखे थे और उसके आगे की जो अदर एक्टिविटीज़ थी वो भी हमने देखी थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेज नंबर 129 पर जो एक्टिविटीज़ है वो हम देखने वाले हैं। तो पेज नंबर 129 पर पे सबसे पहले एक पोएम दी गई है जिसका नाम है चिंता चेतु। ओके, तो क्या है इस पोएम में वो हम देखते हैं। चिंता चेतु, देखिए, चिंता चेतु इज अ टामरिड ट्री। दिस फेमस टामरिड ट्री इज इन ग्वालियर। इट ग्रोज ओवर तानसेन टॉम्ब। तानसेन वॉज ग्रेट सिंगर। पीपल इन ग्वालियर से इट द लीव्स ऑफ दिस टामरिड ट्री एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन। तो यहाँ पे चिंता चेतु जो पोएम है उसमें जो चिंता चेतु क्या है, एक ट्री है, एक पेड़ है। चिंता चेतु कौन है? एक ट्री है। किसका ट्री है? टामरिड का पेड़ है। टामरिड मतलब इमली। ओके, टामरिड का मतलब है इमली का पेड़ है ये एक चिंता चेतु नाम का। दिस फेमस टामरिड ट्री इज इन ग्वालियर। ये जो टामरिड का जो पेड़ है, इमली का जो पेड़ है, वो कहाँ पर आया है, कौन से प्लेस पर आया हुआ है? ग्वालियर में ये चिंता चेतु नाम का ट्री है। ओके, इट ग्रोज ओवर द तानसेन टॉम्ब। टॉम्ब का मीनिंग होता है कब्र, TOMB। टॉम्ब का मीनिंग होता है कब्र। ग्रोज मतलब बड़ा है। तानसेन की कब्र पे ये जो पेड़ है वो खड़ा है या फिर उगाया गया है। ओके, ये जो पेड़ है वो कहाँ पर लगाया हुआ है? तानसेन की जहाँ पे कब्र थी उसके ऊपर ये पेड़ लगाया है। तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर। तो तानसेन कौन थे? बहुत ही ग्रेट सिंगर थे, महान संगीतकार थे, महान गायक थे। ओके, तानसेन महान संगीतकार थे। पीपल इन ग्वालियर से ग्वालियर में जो लोग हैं, ओके, ग्वालियर में जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि ईट द लीव्स ऑफ दिस टैमरी ट्री एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन। ईट द लीव्स ऑफ दिस टामरी ट्री एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन। वो कहते हैं, वहाँ के लोग कहते हैं ग्वालियर के, कि अगर तुम इस इमली के पेड़ अगर खाओगे तो तुम भी जो तानसेन है उनकी तरह गाओगे। उनका ये मानना है, वो लोग ये कहते हैं कि अगर तुम इस इमली के पेड़ के जो पत्ते हैं, जो लीव्स है, वो तुम खाओगे तो तुम भी तानसेन के जैसे सिंग करोगे, गाना गाओगे। ओके, सो ये हो गई हमारी पोएम कंप्लीट। उसके बाद इस पोएम पर ही देखकर हम ये जो ब्लैंक है उसे फिल करना है। सबसे पहला है चिंता चेतु इज अ टामरिड ब्लैंक। चिंता चेतु क्या है? ट्री है या फिर लीफ है? ट्री का मीनिंग पेड़, लीफ का मतलब पान। ओके, तो क्या है? ट्री है। ओके, इसीलिए यहाँ पर ट्री लिखेंगे ब्लैंक में। उसके बाद सेकंड है, दिस फेमस ट्री इज इन कहाँ पर आया है? तो ग्वालियर में ये ट्री है। ओके, ग्वालियर नाम का प्लेस है, वहाँ पर ये ट्री है। उसके बाद तानसेन वॉज फेमस। तानसेन कौन थे? फेमस डांसर थे या सिंगर थे? तो तानसेन फेमस सिंगर थे। ओके, हमने पोएम में ऊपर देखा कि तानसेन कौन थे? फेमस सिंगर थे, तो इसीलिए सिंगर हम लिखेंगे ब्लैंक में। उसके बाद है, द तामरी ट्री ग्रोज ओवर तानसेन्स ब्लैंक। जो टामरिड जो ट्री है वो कहाँ पर उगा हुआ है, कहाँ पर ग्रो हुआ है? तानसेन के घर पर या तानसेन की जो कब्र है उस पर, टॉम्ब पर? तो आंसर होगा टॉम्ब, TOMB। ओके, टॉम्ब, तानसेन की जो कब्र है उस पर ये पेड़ ग्रो हुआ है, बड़ा हुआ है। और लास्ट है, ईट द लीव्स ऑफ द तामरिड ट्री एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक ब्लैंक। तुम अगर इस इमली के पेड़ खाओगे, इस इमली के पत्ते जो है वो खाओगे तो तुम भी तानसेन की तरह गीत गाओगे। तो यहाँ पे अकबर और तानसेन है, उसमें से राइट आंसर आएगा तानसेन। ओके, अगर तुम भी इस इमली के जो पत्ते हैं वो खाओगे तो तानसेन की तरह गाना गाओगे। ऐसी ये जो पीपल है वहाँ के जो लोग हैं ग्वालियर के, उनकी मानता है, ऐसे ये लोग मानते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने पेज नंबर 129 पर जो एक्टिविटीज़ थी वो हमने देखी। पेज नंबर 29 पर हमने देखा चिंता चेतु नाम की जो पोएम थी वो हमने देखी। चिंता चेतु कौन है? एक ट्री है। वो किसका ट्री है? टामरिड मतलब इमली का पेड़ है। और जो
जो तानसेन की कब्र है उस पर ग्रो हुआ है, बड़ा हुआ है। और ये पेड़ कहाँ पर है, ग्वालियर नाम का प्लेस है वहाँ पर ये जो पेड़ है वो ग्रो हुआ है। और वहाँ के लोग ये कहते हैं कि अगर तुम इस इमली के पेड़ खाओ, पत्ते जो है वो खाओगे, तो तुम भी तानसेन की तरह गाना गा सकते हो। क्योंकि जो तानसेन था वो कौन था, बहुत ही महान संगीतकार था, म्यूजिशियन था, सिंगर था। इसीलिए वहाँ के लोग ऐसे मानते कि अगर तुम इस इमली के पेड़ के पत्ते खाओगे तो तुम भी तानसेन की तरह गाओगे। उसके बाद हमने ब्लैंक देखी, ऊपर जो पोएम थी उनभर ही देखकर हमने ब्लैंक सारी फिल की। सबसे पहला चिंता छेतु इज अ टावरी ट्री, फिर फेमस ट्रीज कहाँ कर है, ग्वालियर की नाम की जो प्लेस है वहाँ पर है। तानसेन वॉज फेमस, कौन था तानसेन, सिंगर था, डांसर तो डांसर था। फिर टावरी ग्रोज ओवर, जो पेड़ था वो कहाँ पर ग्रो हुआ था, तो टॉम्ब पर, तानसेन की जो टॉम्ब थी वहाँ पर खड़ा हुआ था, बड़ा हुआ था। और लास्ट में अगर आप इस पेड़ के पत्ते खाओगे तो आप भी तानसेन की तरह गाना गाओगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो वीडियो लेक्चर है आज का वो फिनिश होता है। आगे की जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर की वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपनी नोटबुक में ये ब्लैंक और अपनी बुक में ब्लैंक्स लिख देना। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स।